हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे दो कच्चे आलू से सुपर टेस्टी क्रिस्पी चटपटा नाश्ता, जिसे हम बहुत ही कम मसाला और दो छोटा चम्मच तेल में बनाकर तैयार करेंगे, वो भी बिना फ्राई किए हुए कम समय में सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं एक बड़े साइज़ के कच्चा आलू। इस आलू के छिलका निकाल कर इसको हम अच्छे से धुल लिए हैं। अगर आप मीडियम साइज़ के आलू ले रहे हैं ना, तो दो ले लीजिएगा, और छोटे साइज़ के आलू ले रहे हैं तो तीन ले लीजिएगा। तो अब हम इस आलू को एक ग्रेटर के मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बारीक वाली ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। आप बारीक वाली या मोटे वाली, दोनों में से किसी भी ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से इस आलू को हम ग्रेट कर लिए हैं, और अब हम इस आलू को दो से तीन पानी से अच्छे से धुल लेंगे, ताकि इसका जो स्टार्च है ना, वो निकल जाएगा और आलू बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो चलिए इसको हम धुल कर ले आते हैं। तो ये लीजिए, आलू को हम अच्छे से धुल कर इसको हम एक स्ट्रेनर में छान लिए हैं, और आप देख सकते हैं आलू यहाँ पर बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो अब हम इस आलू के लच्छे को मुट्ठी में लेंगे, और इस तरह से मुट्ठी से दबाते हुए इसका पानी निचोड़ लेंगे, ताकि यहाँ पर इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा और आलू के लच्छे ड्राई हो जाएगा। तो इसी तरह से सभी आलू के लच्छे के पानी अच्छे से निचोड़ कर एक बाउल में रख लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हम पानी निचोड़ कर इस आलू के लच्छे को इस बाउल में निकाल लिए हैं, और आप देख सकते हैं आलू के लच्छे बिल्कुल ड्राई हो गया है, जिससे पूरा खिला खिला दिख रहा है। तो अब हम इसी स्टेज पर इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ के प्याज। यहाँ पर हम मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इसका छिलका निकाल कर इसको अच्छे से धुल लिए हैं, और अब इस प्याज को हम ग्रेटर के मदद से ग्रेट करके इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो इसे बारीक काट के भी डाल सकते हैं, या अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसे हटा भी सकते हैं, बिना प्याज के भी बना सकते हैं। तो ये लीजिए, प्याज को हम ग्रेट कर लिए हैं। तो अब हम इसमें एक इंच अदरक डालेंगे इस तरह से ग्रेट करके। तो ये देखिए, अदरक को भी हम ग्रेट कर लेंगे। अदरक है तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसी के साथ इसमें डाल देंगे आधा कप पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को इस तरह से लंबे में बारीक कट कर लेना है। अगर आप पत्ता गोभी नहीं डालना चाहते हैं तो सिर्फ इसे आलू से भी बना सकते हैं। और अब हम इसी के साथ इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच साबुत जीरा, और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच कूटा हुआ लाल मिर्च। अगर कूटा हुआ लाल मिर्च नहीं है तो इसके जगह पर लाल मिर्च पाउडर भी आप डाल सकते हैं। साथ में ही डाल दिए हैं एक चौथाई छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, और इसी के साथ इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, और साथ में ही डाल देंगे दो बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। तो हरा मिर्च आप अपने तीखा के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। तो धनिया पत्ता डालने से देखने में भी अच्छा लगता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और धनिया पत्ता डालने के बाद अब हम इन सभी चीज़ों को इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे, ताकि सभी चीज़ एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसमें बहुत कम मसाला डाली हूँ, ताकि सब्ज़ी का जो नेचुरल टेस्ट है ना, वो नहीं जाना चाहिए। नहीं तो मसाला ज़्यादा डाल देंगे ना, तो सिर्फ मसाला मसाला के टेस्ट आने लगेगा। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसमें गाजर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो ये देखिए, सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। और अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे तीन चम्मच अरारोट। यहाँ पर खाना खाने वाले चम्मच से हम तीन चम्मच लिए हैं। और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे दो चम्मच चावल के आटा, इससे हमारा नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। और अगर आपके पास अरारोट नहीं है तो आप इसे सिर्फ चावल के आटा से भी बना सकते हैं। और अगर चावल के आटा भी नहीं है तो आप यहाँ पर इस दोनों के जगह पे गेहूं के आटा डालकर भी इसे बना सकते हैं। गेहूँ के आटा से भी नाश्ता अच्छा बनता है। और अगर अरारोट या चावल का आटा है तो उसे ही डालिएगा, नहीं है तब गेहूँ के आटा में बना सकते हैं। और यहाँ पर अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और यहाँ पर लगेगा कि बाइंडिंग सही से नहीं हो पा रहा है, तो एक चम्मच आप इसमें अरारोट या चावल का आटा और डालकर मिला सकते हैं। तो ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो अब हम इस मिश्रण को लेकर आ गए हैं गैस के तरफ, और यहाँ गैस पर हम एक पैन रख लिए हैं। आप पैन या कढ़ाई कुछ भी ले लीजिएगा, और इसमें हम डाल लेंगे दो छोटा चम्मच तेल।
तो यहाँ पर ना तेल ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस 2 छोटा चम्मच डालना है। और गैस के फ्लेम मीडियम रखेंगे और इस तेल को इस तरह से पैन को घुमाते हुए पूरे पैन में तेल को फैला लेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो ये मिश्रण जो हम बनाया है ना उसमें से 1 चम्मच मिश्रण लेंगे और इस पैन में डालकर इस तरह से इसको चम्मच से फैलाते हुए टिक्की के शेप दे देंगे। और अगर आपको इस तरह से बनाने में दिक्कत हो रहा है तो आप हाथों में मिश्रण को लीजिएगा और इस तरह से इसको फैलाकर पैन में डालकर इसको दबाते हुए हल्का फैला लीजिएगा, ये देखिए इस तरह से। और अगर आप पेड़ा के शेप में बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं 2 तरह से बना रही हूँ, यानी कि 2 साइज के बना रही हूँ। तो इसे डालते ही नहीं पलटना है, डालने के थोड़ी देर बाद एक एक करके पलट लेना है और पलट कर इसको दूसरे साइड भी पकने देंगे। गैस के फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर अलटते पलटते हुए सभी साइड गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। तो ये देखिए इसमें बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है, क्रिस्पी हो गया है। तो इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी भी बना लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आप चाहे तो छोटे छोटे पेड़े के साइज में बना सकते हैं, मैं यहाँ पर दोनों साइज में बनाई हूँ। तो ये देखिए इस तरह से सभी नाश्ते को बना लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।